जिसका अंदेशा था वही हुआ। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूं एएफसी एशियन कप की, जहां भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया और जैसी कि उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। लेकिन एक बात तो है कि जितनी बड़ी जीत की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को रही होगी वो उसे नहीं मिली। भारत का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा, उसने ऑस्ट्रेलिया को काफी देर तक रोके रखा। इस पूरे मैच पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एएफसी एशियन कप के अपने पहले मैच में भारत जो है वो अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था अहमद बिन अली स्टेडियम अल रयान में, और जैसे ही मैच शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया ने आक्रमण शुरू कर दिए, लेकिन भारतीय टीम जो है वो डिफेंस को बहुत मजबूत रखे हुए थी, डिफेंसिव फुटबॉल खेल रही थी और उसने अपनी किलेबंदी कर रखी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम कई बार गोल करने के करीब पहुंची लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कभी उनका निशाना भटक गया, कभी भारत के डिफेंडर्स निकलकर सामने आ गए, चाहे वो संदेश झिंगन हो, भीखे हो, उन्होंने सुभाषीष हो, उन्होंने बचाव किया। कई बार गुरप्रीत सिंह संधू सामने आ गए, उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, गेंद को गोल में जाने नहीं दिया और ये करते करते जो है पहला हाफ गुजर गया। पहले हाफ तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रोके रखा और उस समय जो स्कोरबोर्ड दिखा रहा था वो दिखा रहा था भारत 0 ऑस्ट्रेलिया 0। लेकिन हाफ टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आक्रमण तेज कर दिए और आपको 5 मिनट बाद ही जो है पहला गोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आ गया और ये गोल इरविन ने किया था। दरअसल क्रॉस आया था, गुरप्रीत बाहर निकलते हैं, गेंद टच तो वो कर लेते हैं लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते, उसे रोक नहीं पाते, गेंद उनसे छिटकती है, चेस्ट पर लेते हैं इरविन और फिर दनदनाता गोल दाग देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 1-0 से आगे हो जाती है। हालांकि इसके बाद भी भारतीय टीम ने जो अपना डिफेंस है उसे मजबूत बनाए रखा और यहां तारीफ बनती है इंडियन डिफेंस की कि उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को, जिसकी की रैंकिंग दुनिया में 25 है और भारत की रैंकिंग 102 है, उसे इतनी देर तक रोके रखा या उसे जो है ज्यादा गोल करने नहीं दिए और 72वें मिनट में जो है दूसरा गोल जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आता है। दरअसल गुडविन जो कि उनके बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उसे भारतीय खिलाड़ियों ने जो है बिल्कुल घेर रखा था और उन्हें कोई अवसर नहीं दे रहा था। अंत तक गुडविन को बाहर करना पड़ा और फिर जॉर्डन बॉस को लाया गया और बॉस ने ही 72वें मिनट में जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा गोल दाग दिया। और जब मैच जब खत्म हुआ उस समय स्कोर लाइन यही रहा, मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत दर्ज की। तो अभी आपके लिए सूचना यह है कि जो एएफसी एशियन कप में भारत का पहला मुकाबला हुआ उसमें उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-2 की हार झेलनी पड़ी। भारत का जो अगला मुकाबला है वो उज्बेकिस्तान के साथ है और वो मुकाबला जो है 18 जनवरी को खेला जाएगा। भले ही भारतीय टीम आज हार गई लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ कंसोलेशन उनके साथ है। एक उन्हें इस बात की जो है खुशी होगी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 2 गोल से ज्यादा करने नहीं दिया। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।